नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईओपी बैंक यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक से आप जो है कि घर बैठे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। 59 मिनट में भी आप जो है कि यहाँ से बैंक में आपका पैसा ले सकते हैं लोन का। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको जो है कि इसमें अप्लाई करना है, क्या इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सैलरीड या इंडिविजुअल, सबको लिए यहाँ पर जो है कि आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल है आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको जो कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, वहाँ पर हम जो कि इसमें अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जो है किसी और अन्य प्रकार के लोन की ज़रूरत है तो आप जो है कि यहाँ पर क्लिक करके इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको जो है कि इनको यहाँ पर टोल फ्री नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर आपको कॉल करके पूरी जानकारी अच्छे से पहले ले लेना है, देन आपको जो है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर ऊपर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई लोन ऑनलाइन। ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अदरवाइज जो है कि आपको आपका अकाउंट है इसमें, तो आप जो है कि आपके एप्लीकेशन खोलना, उसमें आपको जो कि प्री अप्रूव लोन देखने को मिल जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट पर। आपको डायरेक्टली यहाँ पर 5 मिनट के अंदर बैंक में भी वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपको जो कि वो वाला लोन यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अदरवाइज आपका अकाउंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है कि यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पर दो प्रकार के है, इसमें आपको जो रिटेल दिखाई दे रहा है इसमें भी आपको जो है कि यहाँ पर पर्सनल लोन है, इस पर क्लिक करके जानकारी आपको अच्छे से देख लेनी है। आपको नज़दीकी बैंक पर चले जाना है, देने जो कि ये वाला अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है कि इनके साथ में इंडियन जो आईओबी बैंक है यहाँ पर इनका दूसरा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जो कि सारे यहाँ पर लोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का भी आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप जो कितने प्रकार के लोन यहाँ पर हैं, आपको जो भी लोन चाहिए वो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। हम जो है बात करेंगे पर्सनल लोन में इस बारे वीडियो में, इसमें आपको जो कि मैं प्रोडक्ट फीचर एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखा देता हूँ, देन हम जो कि इसमें अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अब जो कि यहाँ पर आप जो कि आपके जितना भी है इतना लोन का यहाँ पर जो कि आप ईएमआई वगैरह देख सकते हैं कि कितना आपको जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको जो है कि कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कि यहाँ से सबमिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं आप, अगर आप 1 लाख रुपए का ले लेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर इतनी यहाँ पर ईएमआई वगैरह बनेगी, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपका इतना वगैरह लगेगा, तो ये इतना है। चलो आप जो है कि यहाँ पर हम जो है कि इसमें प्रोडक्ट इसका फीचर देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट फीचर में आपका जो बताऊँ मैं, तो क्लीन लोन जो है वो क्लीन लोन यहाँ पर पर्सनल लोन को बोलते हैं। इनका एक स्कीम है जिसमें क्लीन लोन और रॉयल लोन यहाँ पर दो प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो सैलरीड पर्सन के लिए होता है क्लीन लोन और ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है रॉयल स्कीम लोन। ठीक है, क्लीन लोन में आपको बता दूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन स्कीम जो है वो क्लीन लोन के द्वारा जानी जाती है। लोन कैन बी अवेल बाय द सैलरीड इंडिविजुअल ओनली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपका 18 साल से 60 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपका लोन कैन बी अवेल मीट द पर्सनल रिक्वायरमेंट, आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर 15 लाख रुपए का आप जो है मैक्सिमम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आप 5 साल की यानी कि 60 महीने की ईएमआई बनवा सकते हैं। असल फी यहाँ पर जो है कि आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पर क्विक प्रोसेसिंग होगा आपका लोन, नो एडन चार्ज रहेगा। उसके बाद में वेरी कंपेटिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। लेस पेपर वर्क, नो प्री क्लोजर और प्री पेमेंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर प्री क्लोजर भी चार्ज नहीं लग रहा है। दोस्तों अगर आप जो कि चाहते हैं कि मैं 2 साल में यानी कि इसको पूरा क्लोज करवा दूँ, तो आप करवा सकते हैं बिना किसी चार्ज पर। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट चार्ज वगैरह यहाँ पर रेडिशिंग बैलेंस विज फ्लोटिंग यहाँ पर आईआरआई पर आपको डिपेंड करेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि लोन कैन बी अवेल ऑन एनी फॉर्म, यहाँ पर टर्म लोन और कैश क्रेडिट लोन यहाँ पर जो है कि आप इस प्रकार से यानी कि अवेल कर सकते हैं ये वाला लोन भी। ठीक है, अब जो है कि रॉयल लोन के बारे में बता दूँ, यानी कि बिजनेस मैन या वगैरह ले सकते हैं इसको। लोन कैन बी अवेल सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस मैन। ठीक है, 75,000 रुपये और इससे ज़्यादा का आप जो है कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन यहाँ पर आप जो है कि 15 जो है कि यहाँ पर ले सकते हैं 15 लाख रुपए का, और जो कि 84 मंथ की आपकी यहाँ पर ईएमआई बनवा सकते हैं आप। लोन कैन बी अवेल यहाँ पर जो है कि 18 साल से 60 साल की उम्र वही वाली होनी चाहिए। मीट यहाँ पर पर्सनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, वही सेम है बाकी का। ठीक है, असल फ्री, नो एडन चार्ज, कंपेटिबल, लेस पेपर वर्क, नो प्री पेमेंट क्लोजर चार्ज,
ये सारा का सारा वही है। ठीक है, अब जो कि हम चले वापस चलते हैं और इसके में डॉक्यूमेंट वगैरह हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट पर बात करें तो क्लीन ऑन रॉयल स्कीम लोन के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, दोनों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले के लिए। एड्रेस प्रूफ में आपका जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड यूटिलिटी बिल आपका होना चाहिए कोई एक। ठीक है, उसके बाद आईडी प्रूफ में आपका जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी और वोटर आईडी आपका होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आपका जो है कि ऑफर लेटर होना चाहिए या फिर आपका जो है कि वैलिड एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका जो आईडी कार्ड मिलता है वो वाला भी काम चल जाएगा। सैलरी रिसिप्ट आपका जो है 6 मंथ की आपकी होनी चाहिए। आरटीआर आपका लास्ट 3 ईयर का आपका होना चाहिए आपके पास में। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपका जो है कि यहाँ पर होना चाहिए 6 मंथ का। आपका जो बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी स्टेटमेंट की, फोटोग्राफ की, वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर की। उसके बाद में अबव मेंशन डॉक्यूमेंट विल बी रिक्योर फॉर द गारंटर इफ़ एप्लीकेबल। गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको जो कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का बैलेंस लेना है तो आपको जो गारंटर भी देना पड़ सकता है। अब चलो इसमें बात करते हैं, इसमें अप्लाई करने की सिंपली अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं। जैसे आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है कि अप्लाई नो का आ जाएगा। आपको जो है कि यहाँ से अप्लाई नो कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कस्टमर टाइप आपको जो सिलेक्ट करना है, कस्टमर आप जो कि सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन, बिजनेस आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको जो बिजनेस पर्सन पर क्लिक करना है। कस्टमर आपको जो कि आईओबी कस्टमर है आप या फिर न्यू कस्टमर है आप जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक में है आपका अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर डाल के आपको कैप्चा डिले यहाँ पर कैप्चा डाल इसमें डालना है। आई एग्री बटन पर क्लिक करके सिंपली सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की, और जल्दी भी यहाँ पर आपको लोन मिलने की चांस है। न्यू कस्टमर पर क्लिक करते हैं, आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऑलरेडी अप्लाई करना कर रखा है आपने तो इस पर क्लिक करना है आपको, और स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सिंपली आपको एक कैप्चा एंटर करना है। देन आपको जो है कि यहाँ पर जो चेकबॉक्स इस पर क्लिक करके सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो है कि वैलिडेशन होगा, उसके बाद में आपका अप्लाई करना है और सबमिशन आपका हो जाएगा। सबमिशन वो जो भी आपका सारा फॉर्म रहेगा उसको आप जो कि डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में आपको जो कि यहाँ पर 48 हर 272 हर में आपको जो है कि यहाँ पर आपका बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बट उससे पहले आपके पास में कॉल आएगा, उससे वो सारी जानकारी लेंगे और देन आपको जो है सारी जानकारी देना होगा। अदरवाइज आपके पास में नज़दीकी बैंक है तो आप जो उसमें जाके पूरा आप जो है कि केस आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी उसमें आपको। ठीक है, या फिर आप जो कि यहाँ से अप्लाई करके आप बैंक में जा सकते हैं, जो आपको नंबर मिलेगा उस रेफरेंस नंबर को आपको बताना है बैंक में और आपका जो काम हो जाएगा। तो बस ऐसा करना है आपको। यहाँ पर जो है कि मैं आपको आगे की प्रोसेस इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है कि मेरे पास में मोबाइल नंबर में जो डालूँगा वो उसमें ओटीपी नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पर मैं आगे की प्रोसेस नहीं बता पाऊँगा आपको। बट आप जो है कि यहाँ पर ये सारी प्रोसेस मैंने जो बताई वो आपकी पूरा करना है, देन आपको जो है यहाँ से बहुत आसानी से लोन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है कि पर्सनल लोन यहाँ से लेना है, अगर कोई क्वेरी आपकी तो कमेंट में उसको पूछ लेना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। मिलता हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।